हेलो बच्चों, तो आज है हमारा क्लास 9 बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये चीज़ होगी कि बायोलॉजी है तो इसमें हम रट्टा मारेंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मेरे साथ बहुत ही अच्छे से समझ के पढ़ोगे तो आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली। दूसरी चीज़, आपको टेक्स्ट बुक बहुत ही अच्छे से आराम आराम से पढ़नी है, क्योंकि उसमें से कई लाइन्स में से 1 मार्क के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो वो क्या है? सेल। अब सेल की डिस्कवरी किसने की थी? तो उन शख्स का नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने अपने एक सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप पे कॉर्क सेल्स की स्टडी की थी। तो कॉर्क सेल क्या होता है? तो जो ट्री पे जो बार्क होता है उसके जो सेल्स होंगे उन्हें हम बोलते हैं कॉर्क सेल्स। तो उन्होंने जब ये स्ट्रक्चर स्टडी किया तो उनको इसका स्ट्रक्चर हनीकॉम जैसा लगा। तो हनीकॉम क्या होता है? मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो होता है हनीकॉम। और इसमें उनको जो ये स्मॉल बॉक्सेस जैसा दिखा, उनको उन्होंने उस बॉक्सेस को नाम दे दिया सेल। अब सेल जो लैटिन शब्द है उसका मीनिंग होता है अ लिटिल रूम। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। तो इसका मतलब क्या है कि इस अर्थ पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सारे ही सेल्स से बने हैं। अभी हम सेल्स के बेसिस पे भी डिविजन कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनि का मतलब क्या होता है? वन। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सिर्फ जो एक सेल से बना है ऑर्गेनिज्म उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम अमीबा है, पैरामोशियम है, ये जो अजीबोगरीब स्ट्रक्चर है वो है अमीबा। अब ये अपना स्ट्रक्चर चेंज भी कर सकता है एज पर द एनवायरमेंट, और ये पूरा सिर्फ एक सेल से बना है। मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी यानी कि मोर देन वन, तो वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत सारे सेल से बने हैं। फॉर एग्जाम्पल है प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई है, ह्यूमन बॉडी है, बहुत सारे सेल से बने हैं। तो ये सब जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव ऑल्सो कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पहले देखा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो एक सेल से बने हैं, बट हम जो ह्यूमन बॉडी है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो भी पहले एक सेल के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब ह्यूमन बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है तो जो फर्टिलाइज एग होगा वो पहले एक सेल का होगा, फिर उसमें डिवीजन होगा 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, और ऐसे पूरी मल्टी सेलुलर ह्यूमन बॉडी बनेगी। फॉर एग्जाम्पल है कि पहले फर्टिलाइज एग है, उसमें से जाइगोट बनता है, जाइगोट से फीटस, और फीटस से पूरी मल्टी सेलुलर ह्यूमन बॉडी फॉर्म होती है। तो कब से तो हम पढ़ रहे हैं कि सेल सेल, बट सेल बना किस चीज से है? सो बेसिकली वो 3 चीजों से बना होता है। कोई भी आप सेल ले लो, प्लांट, एनिमल, कोई भी सेल, उसमें 3 चीजें तो होंगी ही। वो क्या है? सो दैट इज न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। तो ये हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसमें जो सेंटर में जो चीज़ होती है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। फिर जो न्यूक्लियस के आजू बाजू में जो फ्लूइड रहता है उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और सेल के अराउंड में एक लेयर होती है जो उसे एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन तीनों चीज़ों को हम आगे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अब ये तो रहा बेसिक स्ट्रक्चर, अब दूसरे सेल्स में इसके अलावा भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स का मतलब क्या हुआ? तो ह्यूमन बॉडी में जैसे कि ऑर्गेन्स होते हैं अलग अलग, फॉर एग्जाम्पल हार्ट, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अलग अलग फंक्शन करते हैं, वैसे ही सेल में होते हैं ऑर्गेनल्स, वो भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो फूड होता है उसे डाइजेस्ट करना, जो बचा जो वेस्ट फूड है उसको कैसे खत्म करना, ये अलग अलग उनके फंक्शंस होते हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनल्स आर राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सबको भी हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। अब ये तो रह गया एक बेसिक स्ट्रक्चर सेल का, बट उसके फंक्शन के हिसाब से उसका जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो भी अलग अलग हो सकता है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है वो स्मूथ मसल सेल है, ब्लड सेल्स, नर्व सेल, जिसमें ये पार्ट्स दिखाए गए, ये न्यूक्लियस है, एक्सॉन, डेंड्राइट्स, फिर ओवम है, फैट सेल, स्पर्म। तो ये सारे ही जो फंक्शंस होते हैं उसके हिसाब से उनका शेप चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्पर्म है, ओवम है, ये दोनों क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल। तो रिप्रोडक्टिव सेल के अलावा जो सेल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? सोमैटिक सेल। उन
उनको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल। तो अब हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल लुक एट द डेफिनेशन। इट इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। तो पहले ही हमने देखा कि सेल के अराउंड में जो भी लेयर होती है, जो उसे एनवायरमेंट से सेपरेट करती है, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का मीनिंग क्या हुआ, तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेंगी कि स्कूल में क्लास में अगर अंदर आना है या फिर बाहर जाना है तो टीचर की परमिशन लेनी पड़ती है। सिमिलरली कोई भी सब्सटेंस को सेल के अंदर आने के लिए या फिर बाहर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सारे ही सब्सटेंसेस को परमिट नहीं करती है। कुछ चीज़ों को परमिशन मिलती है अंदर जाने की या बाहर आने की, कुछ चीज़ों को नहीं। तो हमने ये तो देख लिया कि सारी चीज़ों को नहीं मिलती, अगर परमिशन मिल भी गई तो वो अंदर या बाहर जाएंगे कैसे। सो हाउ डू सब्सटेंसेस मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। मूवमेंट ऑफ गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एटसेट्रा टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें पहले तो समझते हैं स्पॉन्टेनियस क्या होता है। स्पॉन्टेनियस यानी कि अपने आप कोई भी चीज़ हो जाना, उसमें हमें कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो दैट इज स्पॉन्टेनियस। नाउ फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन बाय डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है कि स्पॉन्टेनियसली द सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर हम सेल की बात करें, उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी, उसका मूवमेंट कैसे होगा। तो फर्स्ट कंडीशन में हमने यहाँ पे क्या देखा है कि ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर हाई है, बाहर ऑक्सीजन कम है। तो क्या होगा डिफ्यूजन में, स्पॉन्टेनियसली मूवमेंट होगा फ्रॉम हायर टू लोअर। तो इसमें क्या होगा, यस इट विल मूव फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड, ऑक्सीजन अंदर से बाहर जाएगा। सेकेंड केस में बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, अंदर कम है, सो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होगा, यानी कि बाहर से अंदर आएगा। तो अब तक तो हमने पढ़ा कि गैसेस का मूवमेंट कैसे होता है, अब हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। सो वाटर ऑल्सो ऑबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। वाटर का मूवमेंट भी डिफ्यूजन प्रोसेस से ही होता है। इसमें भी हायर वाटर कंसेंट्रेशन से लोअर वाटर कंसेंट्रेशन पे वाटर का मूवमेंट स्पॉन्टेनियसली होता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सच अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब ये जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। वो पर्टिकुलर प्रोसेस को बोला जाता है ऑस्मोसिस। हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। इफ वी पुट एन एनिमल सेल इन वाटर कंटेनिंग सॉल्ट और शुगर देन व्हाट विल हैपन। तो हमने ये एक्टिविटी में क्या करना है, वाटर उसमें सॉल्ट या शुगर डिजोल्व करना है, सॉल्यूशन बनाना है, और उसके अंदर हमें एनिमल सेल रखना है। तो इसके बाद क्या हो सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके आर पार वाटर का मूवमेंट हो सकता है, वाटर अंदर या बाहर जा सकता है, पर जो सॉल्ट है या शुगर है वो सेल से अंदर नहीं जा सकता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो पास नहीं हो सकता है। सो नाउ अगर हम ये एक्टिविटी करेंगे तो तीन पॉसिबिलिटीज मिल सकती है। फर्स्ट में क्या है कि बाहर में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम है। सो ऑस्मोसिस प्रोसेस से क्या होगा कि पानी बाहर से सेल के अंदर चला जाएगा और इसकी वजह से सेल स्वेल हो जाने वाला है, सेल फूल जाएगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी में क्या है कि वाटर का कंसंट्रेशन बाहर और सेल के अंदर दोनों जगह सेम है, तो वाटर का मूवमेंट तो हो रहा है, वाटर बाहर से अंदर आएगा उतने ही अमाउंट में सेल से बाहर जाएगा, और इसकी वजह से सेल का जो साइज है वो बदलने नहीं वाला, वो सेम रहेगा। थर्ड में क्या है कि जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर ज़्यादा है और जो बाहर है उसका कंसंट्रेशन कम है, तो ऑस्मोसिस से उसका मूवमेंट होगा हायर टू लोअर। तो क्या हो सकता है, सेल से पानी बाहर जाएगा और इसकी वजह से सेल जो है श्रिंक हो जाने वाला है। अब तीनों पॉसिबिलिटी में क्या है कि वाटर बाहर से अंदर, अंदर से बाहर दोनों जा रहा है, बट जो नेट मिल रहा है वो यहाँ पे बाहर से अंदर जा रहा है, यहाँ पे साइज सेम रह रही है और यहाँ पे जो सेल से बाहर जा रहा है पानी ना, ये जो बाहर का ये जो सॉल्यूशन है, सच ए सॉल्यूशन इन विच सेल स्वेल्स इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक। ये वाले सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और ऐसे सॉल्यूशन जिसमें जो सेल है वो श्रिंक हो जा रहा है, ऐसे तरह के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय द यूज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो अभी तक तो हमने पढ़ा कि गैस का मूवमेंट होता है डिफ्यूजन से, वाटर का मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस से, अब दूसरे अलग अलग मॉलिक्यूल्स होता है उनका मूवमेंट होता है एनर्जी के यूज से, जो होता है एटीपी के फॉर्म में हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो किस चीज़ों से बना होता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से। उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में भी किस चीज़ों से? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, उन चीज़ों से ये बना है। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन ओनली बी ऑब्जर्व थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा ही हम अपनी नेकेड आई से तो देख नहीं सकते, बट वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखेगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इट्स ओनली फाउंड इन प्लांट्स। तो गलती से भी अगर आप एनिमल सेल का डायग्राम बनाए तो उसमें गलती से भी सेल वॉल मत लिख दीजिएगा, क्योंकि आपको फिर उसमें मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। सो इट्स ओनली फाउंड इन प्लांट्स। अब ये डायग्राम में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर की जो कवरिंग आती है वो होती है सेल वॉल। तो प्लांट्स में एडिशनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल आ जाता है ना। सेल वॉल बना किस चीज से है? सेल वॉल इज मेड ऑफ सेल्यूलोस। सेल्यूलोस क्या है? इट्स अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अगर डिटेल में बात करें तो सेल्यूलोस एक पॉलीसेकेराइड है जो ग्लूकोज के मोनोमर से बना है। देन व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज श्रिंकेज ऑफ कंटेंट ऑफ द सेल। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। तो ये जो बात है उसका मीनिंग क्या हुआ? तो जब भी एक प्लांट सेल है उसमें से अगर ऑस्मोसिस का प्रोसेस हुआ और अंदर से पानी बाहर चला गया, जैसा कि हम ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो पहले था प्लांट सेल उसमें से पानी बाहर चला गया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी सेल में जो अंदर का कंटेंट होगा वो श्रिंक हो जाएगा, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं श्रिंक हो गया। तो ये जो पूरी फिनोमेना है उसे हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मोलिसिस। इस फिनोमेना को बोला जाता है प्लाज्मोलिसिस। अगेन समझते हैं क्या होता है कि एक प्लांट सेल लिया हमने, उसमें से ऑस्मोसिस के प्रोसेस से पानी बाहर निकल गया, तो क्या होगा? अंदर का जो भी कंटेंट था वो श्रिंक हो जाएगा, और ये पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। व्हेन अ लिविंग सेल गेन्स वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस इट स्वेल्स। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डीप्लाज्मोलिसिस और द रिवर्स ऑफ प्लाज्मोलिसिस। तो अभी हमने पढ़ा प्लाज्मोलिसिस, उसमें क्या होता है? सेल के अंदर से पानी बाहर चला जाता है और उसकी वजह से जो सेल होता है वो श्रिंक हो जाता है। इस फिनोमेना का पूरा ऑपोजिट है, उसको हम बोलते हैं डीप्लाज्मोलिसिस। तो इसमें क्या होता है कि जो प्लांट सेल होता है उसमें अंदर पानी आता है ड्यू टू ऑस्मोसिस, और इसकी वजह से सेल के अंदर का जो कंटेंट होता है वो फूल जाता है, वो स्वॉलन अप हो जाता है। द सेल बिल्ड्स अप प्रेशर अगेंस्ट द वॉल एग्जर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वॉलन वॉल। तो अब सेल तो हमारा फूल गया है और इसकी वजह से वो एक प्रेशर क्रिएट करेगा सेल वॉल के ऊपर, और इसके इंटर में जो सेल वॉल है हमारा वो सेलुलोज से बना है, सो वो स्ट्रांग है, इसकी वजह से वो ऑपोजिट प्रेशर क्रिएट करेगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस द सेल डज नॉट बर्स्ट, वो फट नहीं जाता है। यही एक रीज़न है कि जिसकी वजह से प्लांट्स में सेल वॉल होता है और एनिमल्स में नहीं होता है। फिर से समझिए, इसमें मतलब क्या है कि डीप्लाज्मोलिसिस, इसमें पानी अंदर आता है और इसकी वजह से सेल फूल जाता है। अब सेल प्रेशर लगा रहा है वॉल पे, वॉल प्रेशर लगा रहा है सेल पे, और इसकी वजह से सेल फटता नहीं है, और इसी की वजह से प्लांट्स में सेल वॉल होता है। सो नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज जो जो हमने आज अपने लेक्चर में पढ़ा है। फर्स्ट, डिस्कवरी ऑफ द सेल किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। देन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेल का उसमें तीन चीज़ें होती है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन थर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स। तो उसमें दो डिवीजन मिले थे हमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देन वी स्टडीड अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है आउटर कवरिंग ऑफ द सेल विच सेपरेट्स द सेल फ्रॉम द एनवायरमेंट। देन वी स्टडीड अबाउट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर का मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। देन वी स्टडीड अबाउट थ्री काइंड्स ऑफ सॉल्यूशंस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन।
देन वी स्टडीड अबाउट सेल वॉल. सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग हो जाती है प्लांट्स में, उसे हम बोलते हैं सेल वॉल. सेल वॉल स्ट्रेंथ देता है प्लांट को. देन वी स्टडीड अबाउट प्लाज्मोलिसिस. प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है, वाटर का मूवमेंट ऑस्मोसिस से बाहर होता है सेल वॉल से, अंदर से वो वाटर बाहर फ्लो करता है और वो फिनोमेना को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस. देन वी स्टडीड अबाउट डी प्लाज्मोलिसिस. वो क्या होता है, प्लाज्मोलिसिस का ऑपोजिट फिनोमेना. इसमें वाटर का मूवमेंट बाहर से सेल के अंदर आता है और सेल फूल जाता है. तो आज के लेक्चर में हमने ये सब पढ़ा था. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स. सो थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर.